तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं केसरिया के बौद्ध स्तूप को देखने, और चलिए देखते हैं और जानते हैं कि केसरिया के बौद्ध स्तूप को किस लिए बनवाया गया था और किनके द्वारा बनवाया गया था। सारी बातों को मैं बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं पहले और देखते हैं केसरिया के बौद्ध स्तूप को। तो गाइस ये बौद्ध स्तूप के सामने गेट पर एक फ्लैग लगाया गया है, इंडियन फ्लैग, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ कोई सोलर पैनल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और बहुत ही यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा हुआ है यह दृश्य, और हल्की हल्की हवा बह रही है, और आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। और आज मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए हमने भी सोचा कि चलिए आज के दिन ही चलते हैं। गाइस आपसे बता दें कि यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है यह स्तूप, जो इसे पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ कुछ लिखा गया बौद्ध स्तूप केसरिया, ये कुछ लिखी गई है यहाँ पे। और चारों तरफ से स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। और गाइज फॉरेन कंट्री से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, वो लोग भी यहाँ पे आए हैं और ये लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ कुछ डस्टबिन वगैरह लगाई गई है ताकि लोग कचरा वचरा ना करें। और गाइज इस बौद्ध स्तूप की ऊँचाई के बारे में बात करें तो 104 फीट की ऊँचाई है इस बौद्ध स्तूप की। और अभी बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने में लग रहा है। और यह एक पर्यटक स्थल है जहां दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं बौद्ध धर्म के लोग घूमने के लिए। और यहां पे देख सकते हैं लोग कुछ आए हुए हैं घूमने के लिए। गाइज आपसे बता दें कि हमें ऐतिहासिक चीज़ों को देखना और उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपने भारतीय जितने भी धरोहरें हैं प्राचीन काल से जो आ रही है, उन सारी धरोहरों के बारे में मैं जानूं और आप लोगों को भी बताऊं। तो चलिए आज मैं बताता हूं इस बौद्ध स्तूप के बारे में कि इनको किनके द्वारा बनवाया गया था और किस लिए बनवाया गया था। तो आपसे बता दें कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे, तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के स्वरूप में स्तूप का निर्माण कराया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 104 फीट की ऊंचाई पे है। इस स्तूप का निर्माण दो कालखंडों में हुआ था, मूल रूप से सुंग कुषाण काल में निर्मित गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में स्तूप का संवर्धन किया गया था। इससे पहले मैकेंजी 1814 ईस्वी और एलेक्सजेंडर कट्टिगम 1861 ईस्वी द्वारा खोजा गया। इस स्तूप की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1998 ईस्वी में की गई थी। इस स्तूप की संरचना 6 स्तरीय की गई है। इस 6 स्तरीय संरचना ईंट और मिट्टी के गारे से बना एक गोलाकार बौद्ध स्तूप है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर ऊंचा और लगभग 22 मीटर व्यास वाला एक विशाल बेलनाकार अंडा भाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर है और व्यास की बात करें तो 123 मीटर है। संभवतः सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन अब यह केवल कुछ कक्षों में ही खंडित अवस्था में संरक्षित है। यह मूर्ति कक्षों की पिछली दीवारों से सटे एक चबूतरे पर बनी है। कुछ कमरों की बगल की दीवारों पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, हालांकि ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ फॉरेनर लोग हैं जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और ये शायद बौद्ध धर्म के ही लोग हैं। और आपसे बता दें कि ये बिहार के, हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा धरोहर समझिए कि है बौद्ध स्तूप, जिसे विश्व भर में जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है इस स्तूप को, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जानते हैं। और चलिए थोड़ा सा हम लोग सिनेमैटिक शॉट को दिखाते हैं।
सो गाइस आज के इस ब्लॉग वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।